आज मैंने दूसरा टीका लगाया है, जो पूरा जो बूस्टर डोज है कोवैक्सीन का। पहला जब टीका मैंने लगाया था तो मुझे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ था, बिल्कुल ठीक रहा था। मैं उसी के कुछ दिन घंटों बाद काम पे पूरी तरह से बिज़ी रहा और बीच में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और इसलिए मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि वैक्सीन से ना घबराएं, बिल्कुल सेफ़ है वैक्सीन, और आगे आके टीका लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अगर हमें इस पैंडेमिक से बाहर निकलना है। और अभी पैंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ, हमारी स्थिति अच्छी है, लेकिन हमें उसको बिगड़ने नहीं देना चाहिए। और उसके लिए रास्ता यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को वैक्सीनेट करें। अब लार्जर ग्रुप की बात कर रहे हैं जो फोकस भी है, और जब बिस्तर बोला जा रहा है उन्हें, तो वैक्सीन हेजिटेंसी भी काफ़ी सामने आ रही है लोगों में, तो उसको काउंटर करने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, वैक्सीन हेजिटेंसी कुछ हद तक जायज़ है, बिकॉज सब लोगों को मन में फिक्र रहता है कि भाई वैक्सीन सेफ़ है या नहीं है। लेकिन अब काफ़ी दिन हो गए हैं, बहुत लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और डेटा है कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। इसलिए अब कोई हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए, लोगों को आगे आके वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। दूसरा ये है कि अभी हमारी स्थिति अच्छी है, और कई लोग ये सोचते हैं कि अब तो भारत में पैंडेमिक जो है बहुत कम केसेस हैं, अंतिम चरण पे हैं, और इसलिए हमें वैक्सीन की क्या ज़रूरत है। मैं यही कहना चाहूँगा कि यही एक हमारे पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि हम आगे आके वैक्सीनेट अपने आप को करें, क्योंकि स्थिति कभी भी बदल सकती है, पैंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ है। और हमने देखा है ब्राज़ील में, साउथ अफ्रीका में, यूके में, यूरोप में, वहाँ फिर से लॉकडाउन हो गया क्योंकि वहाँ पे एकदम केसेस बढ़ गए। इसलिए अभी हम अपनी स्थिति जो अच्छी है उसको बना के रखें आगे, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्थिति ख़राब हो जाए और हम फिर ऐसी सिचुएशन पे आए जैसे हम कुछ महीने पहले थे, तो फिर हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे कि जब हमारे पास मौका था तब तो हमने वैक्सीनेशन नहीं किया, और अब लोगों की जान भी जा रही है और केसेस भी बढ़ रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं रोल प्राइवेट प्लेयर्स का वैक्सीनेशन ड्राइव में, क्योंकि काफ़ी लोग अप्रोच भी कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं प्राइवेट प्लेयर के रोल को? प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो अभी भी इन्वॉल्व हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी वैक्सीनेट कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर हमें आगे इसको रोल आउट करना है, इतने सारे लोगों को कवर करना है फेज़ 1 फेज़ 2 में, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो ज़रूरी है। और ये आगे जाके एक अच्छा सिस्टम बन जाएगा जिससे प्राइवेट पार्टनर्स भी आके हेल्प कर सकते हैं जब इतने ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना है। उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है, जो जिसपे काम भी चल रहा है। आखिरी क्वेश्चन सर, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी ओपन मार्केट में आप कब देखते हैं अभी, अगर आपका एस्टिमेट माना जाए? वैक्सीन की विजिबिलिटी ओपन मार्केट में तभी आएगी जब दो चीज़ें होंगी। एक तो ये हुआ कि हमारा जो हमारे प्राइम टारगेट्स हैं लोगों जिनको वैक्सीनेट करना है वो कवर हो जाए, और दूसरा ऐसा हो कि देर इज़ इक्वलेंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। जितना डिमांड है उतना सप्लाई भी होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो हमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। अगर ऐसे होगा कि आपके पास सप्लाई इतना ज़्यादा है कि आप डिमांड जो है उससे ज़्यादा है, तो फिर वैक्सीन जो है मार्केट में आ सकती है। होपफुली ये सिचुएशन जो है एंड ऑफ दिस ईयर तक हो जाए या उससे पहले भी हो सकती है, देन विद देयर विल बी लाइकलीहुड कि जो वैक्सीन है वो मार्केट में